सीन ये है कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं आया था नारायण, तो इधर मुझे पता चला कि नारायण सिर्फ शहर है, मतलब बाजार है सिर्फ, जहाँ पर बंदा आता है मतलब खा पी के वापस चला जाता है, ठीक है। और इधर रात को 11 टेम्परेचर था, तो अभी मतलब नॉर्मल है। मैं दिखाता हूँ कैमरा का रिजल्ट अच्छा नहीं है, बट खैर। अभी मैं जा रहा हूँ सैफ मलुक पर, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई सीन नहीं है। मैं निकला हूँ अपने हट से, रात को सोया नहीं था, फलू जा रहा हूँ पैदल। बोला था कि यहाँ से अगर तुम 3 घंटे या 2.5 घंटे पैदल जाओगे तो तुम सैफ मलुक पहुँच जाओगे। अभी गाड़ी नहीं जा रही ना ही कुछ, जीप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं आई गेस 3 घंटे तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैंने 15 दिन पहले कुमराड़ गया था, कलाम गया था, उधर मैंने मतलब कलाम में ब्लू वाटर तक पैदल सफर किया था कलाम से। पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रोड साफ है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी भी लो है, तो जहाँ पर अच्छे अच्छे सीन आएंगे रिकॉर्ड करिए एड कर दूँगा। सफर करके अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत रास्ते पे चला गया। अभी नजर आया बाबू, इधर मुझे जाना है यार, इतना दूर से आया था। और मैं वीडियो उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ, मेरे व्लॉग पर रीच नहीं आ रही, यूट्यूब पर ऑडियंस जो व्लॉगिंग वगैरह देखती है वो ज़्यादा है, इसलिए मेरा पेज जो है सिंधी जी एस एन, दिस वॉज द पॉइंट जहाँ से मैं रास्ता भूल गया, क्योंकि सामने भी पहाड़ पे बर्फ़ है। मैं लगा सैफ मलुक झील इस तरफ है, फिर उस तरफ सैफ पहाड़ पर बर्फ़ है, उधर भी शहर है, इधर भी शहर है। खैर मज़ा आया, मुझे ये नहीं देखना था, मुझे वो सैफ अल मलुक देखना उधर जा रहा था। रंग बिरंगे बहनों में उड़ता फिरूं, टाइगर से मैं चल रहा हूँ, वरना तो मैं पहुंच जाता, पर 1.5 घंटा मैंने पीछे ज़ाया कर दिया। तो खैर अभी मैं फ्रेश हूँ। तो 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद जब ये व्यू सामने नज़र आया ना, कसम से मज़ा आ गया मुझे।